देहरादून जिलाधिकारी सोनिका सिंह आज डोईवाला पहुंची, जहां उन्होंने डोईवाला में बन रहे नए तहसील भवन का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रही कंपनी को शीघ्र ही कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि जल्द ही डोईवाला ब्लॉक के पुराने भवन में चल रही तहसील को शिफ्ट किया जा सके। इस दौरान डोईवाला उप जिला अधिकारी शैलेंद्र नेगी ने बताया कि बहुत जल्द ही तहसील के नए भवन का बचा हुआ कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिसके बाद नए भवन में तहसील के कार्य और भी तेजी से किए जा सकेंगे। बता दें कि पुराने भवन में स्टाफ के बैठने की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, फिर भी जैसे तैसे तहसील प्रशासन आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता कार्य करता आ रहा है, लेकिन अब तहसील प्रशासन को नए भवन मिलने से जहां स्टाफ को भी अलग अलग कैबिन मिल सकेंगे, तो वहीं माना जा रहा है कि जनता के कार्य भी तेजी से हो सकेंगे। नया भवन है वो लगभग बन के तैयार हो गया है, और इसमें छोटे मोटे काम है, जैसे बिजली कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, और बाहर समतलीकरण है, और छोटे मोटे काम हम देख रहे हैं कि वो अभी होने बाकी हैं। तो अभी डीएम मैडम ने निरीक्षण के दौरान जो संबंधित कार्यदायी संस्था है उनको और बिल्ड कुल के अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह जो है इसको जल्दी ही इसी माह जो है कंप्लीट करके दे देंगे, और उनके कुछ इश्यूज हैं पेमेंट को लेकर के, उसको भी मैडम ने कहा है कि हम उसको करवाएंगे।